दोस्तों ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएससी डीजीपे से आप कैश पे आउट कैसे कर सकते हैं। आपको पता है सीएससी डीजीपे के द्वारा आप कैश विदड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी कस्टमर्स का अमाउंट जो है विदड्रॉल करते हैं उसको आप अपने अकाउंट में पे आउट कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए जानते हैं। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप डीजीपे को ओपन कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर दिखेगा कि आपकी डीजीपे में कितना अमाउंट है। अब दोस्तों अगर आप पे आउट लेना चाहते हैं तो ऊपर में आपको एक पे आउट का बटन दिखेगा, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। पे आउट बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ सीएससी आईडी दिखेगा, उसके बाद वेरीफाई सीएससी आईडी पर क्लिक कीजिएगा। अब आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल देख पाएंगे। जो भी अमाउंट आपको निकासी करना है वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक IMPS और दूसरा NEFT। तो IMPS को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर नीचे इस बॉक्स पर क्लिक करके आप स्कैन ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कीजिएगा और आपका कंप्यूटर के साथ, आपका लैपटॉप के साथ बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप अपना थंब इंप्रेशन वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे। जैसे ही दोस्तों बायोमेट्रिक सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और इंस्टेंट आप अपने बैंक अकाउंट में आपका जो भी पे आउट अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आकर के अगर पासबुक पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि आपके बैंक अकाउंट से जो भी आप अमाउंट पे आउट किए हैं उसमें जो भी चार्ज कटा है वो आप यहाँ पे डीजीपे का हिस्ट्री में देख पाएंगे। तो कुछ इस आसान सा स्टेप को फॉलो करते हुए सीएससी डीजीपे से आप कैश पे आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डीजीपे से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल पूछना है या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।